हेलो दोस्तों, मैं हूँ अमित गुप्ता फ्रॉम जेम माइंस। कई लोगों की डिमांड थी कि जो नीलम होता है उसका रेट कैसे डिसाइड होता है, तो आज मैं आपको वही सब कुछ बताऊंगा। देखिए, रेट्स के लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एक माइनिंग बहुत बड़ा फैक्टर होता है। नीलम जिसे हम ब्लू सफायर बोलते हैं, ये सबसे अच्छा होता है कश्मीरी, लेकिन कश्मीरी नीलम बड़े रेयर होते हैं और बहुत महंगे होते हैं और उसका ना इतना इम्पैक्ट आजकल दिखाई नहीं देता। तो सबसे अच्छे जो आज की डेट में नीलम माने जाते हैं वो सिलोन के माने जाते हैं, श्रीलंका वाले। अब इसमें बैंकॉक के आते हैं, थाईलैंड बैंकॉक के और बर्मा के भी आते हैं, इसमें उड़ीसा के भी आते हैं और अलग अलग माइंस के आते हैं। तो दुनिया का सबसे अच्छा नीलम हम आज की डेट में मानते हैं सिलोन श्रीलंका का होता है। अब नीलम के प्राइस की जहाँ तक बात आती है, अब देखिए इसमें कई फैक्टर्स होते हैं, जैसे कट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि वो किस कट, जैसे हम डायमंड के अंदर देखते हैं आइडियल कट होता है, इसी तरह नीलम में भी कट इम्पॉर्टेंट होता है, उससे उसका लस्टर आता है, चमक आती है, शेप आती है। कट के बाद उसका आता है कि जैसे हम बात करते हैं कलर स्टोन की, तो कलर स्टोन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, कलर। तो इसीलिए कलर भी इम्पोर्टेंट होता है। अब अमूनन जो बैंकॉक के ट्रीटमेंट वाले पीस आते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, नीलम में सिलोन के जो पीस होते हैं वो नॉर्मली जो होते हैं वो हल्के कलर के होते हैं, आसमानी कलर के, फिर उसके बाद उसका कलर। तो जितना अच्छा कलर होगा उतना वो महंगा होता चला जाएगा, लेकिन नो ट्रीटमेंट, नेचुरल। कलर के बाद आता है इसका क्लैरिटी, ये भी क्लैरिटी ऐसी है, थोड़ा बहुत रेशा पानी होना चाहिए, फेदर्स होने चाहिए, उसके बाद जितनी अच्छी क्लैरिटी होगी उतना ही महंगा होगा वो। क्लैरिटी के बाद आता है कि वो बिल्कुल अनट्रीट होना चाहिए, अनहीट होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए, यानी किसी तरह की कोई मिलावट ना हो। देखिए दोस्तों, नीलम में 70% नीलम आज की डेट में जो आते हैं मिलावटी आते हैं, तो उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि IGI के सर्टिफिकेट आप लीजिए, झंडे वालन के जो हम यूज़ करते हैं। जहाँ तक सर्टिफिकेट की बात होती है, तो नीलम के केस में अगर आप नेचुरल अनहीट एंट्री देते हो तो ये IGI का सर्टिफिकेट आता है, जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल का जो होता है, तो ये अगर आप लेंगे ना, ये पूरा एक तो असली नकली बताते हैं और उसके अलावा ये नेचुरल अनहीट एंट्री, नो इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहांसमेंट सारा बताते हैं, तो इसमें आप कम से कम फ्रॉड से बचे रहेंगे। और जहाँ तक नीलम के रेट की बात है, तो एक ऑन एन एवरेज एक ठीक ठाक सा 125 अत्ती का नीलम लगभग 25,000 के आसपास आता है, फिर उसके ऊपर भी आते हैं और उसके नीचे भी आते हैं। बिल्कुल हल्की रेंज लेंगे वो 1,000 रुपये अत्ती से चालू है, लेकिन वो थोड़ी हल्की रेंज होती है, और ऊपर में तो काफ़ी महंगे भी आते हैं। तो हमारे देश में 70 के लोग हैं जो हल्की से हल्की रेंज और ऊँची से ऊँची रेंज लेने को तैयार रहते हैं हमेशा। कभी आप जेम माइंस में आइए करोल बाग में, आपको यहाँ पूरा सारी वैरायटी मिलेगी और सब सर्टिफाइड चीज़ें मिलेंगी, और ये हमारी गारंटी है कि मार्केट से लगभग आधे रेट पे आपको चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे लगता है ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। थैंक यू वेरी मच।